से एलिमेंट्री एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करना। दूसरा है यहाँ पर जो मैंने आपको बोला एनईपी 2020 का जो मकसद है वो है इसमें जो मेजर रिकमेंडेशन है, पहला है 5+3+3+4 समझा। 5 हो गया फाउंडेशन, फिर हो गया प्राइमरी, फिर हो गया मिडिल, फिर क्या है सेकंड। इसी के बाद इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, क्या मिलेगी? इसी तरह से इसमें होलिस्टिक एजुकेशन क्या है? होलिस्टिक एजुकेशन। और इसमें यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, इस तरह से चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एंड मल्टीडिसिप्लिनरी पे भी जोर है, रिसर्च पे भी जोर है। तो ये किसमें है? ये है एनईपी 2020। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला पर्सनल डिसेबिलिटीज एक्ट 1995, इसमें है कि वो ऐसी पॉलिसीज बनाना बच्चों के लिए स्कॉलरशिप देना जो डिसेबल है, सर्टिफिकेट देना जहाँ तुमको रियायत मिले आगे मतलब एजुकेशन में जॉब में, और उनको हमें क्या करना है, उनको हमें एजुकेशन फ्री देनी है। क्या देनी है? फ्री है। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे किसमें? शाबाश, ये थे मेजर पॉइंट्स किसमें? तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच।